कैलिफोर्निया की रेस्क्यू टीम ने कमाल कर दिखाया है। उसने मौत के मुंह से वैलेंटाइन की छुट्टी पर बिछड़े एक जोड़े को सुरक्षित बचा लिया। 77 साल के कैरोल किपार्स्की और 72 साल की यान इरविन को कैलिफोर्निया के खतरनाक जंगलों से रेस्क्यू किया है। कैरोल किपार्स्की और यान इरविन के घर वालों ने बहुत तलाश की और उन्हें जिंदा पाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई कि कहावत यहां हकीकत में तब्दील हुई और सैन फ्रांसिस्को से 30 मील की दूरी पर इन्हें सही सलामत निकाल लिया गया, जिसके बाद इन्हें मारिन काउंटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि रेस्क्यू के दौरान दोनों की हालत किस कदर हो गई है। पिछले एक हफ्ते का वक्त इस गुमशुदा जोड़े ने घने अंधेरे जंगल में बिना कुछ खाए पिए कैसे बिताया होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। डॉक्टर्स के मुताबिक वे दोनों हाइपोथर्मिया से बुरी तरह प्रभावित हैं। किपार्स्की और इरविन को आखिरी बार 14 फरवरी को इनवर्नेस के पास देखा गया था। वे जंगलों में कैसे पहुंचे इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है।